पुनः भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यह जगत जगत सभी दुखों का जनक, समस्त आपदाओं का घर तथा सब प्रकार के पापों का आश्रय है। अतः क्षण भर में ही मनुष्य को इसका त्याग कर देना चाहिए। लौह और काष्ठ के जाल में फंसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र एवं स्त्री के मोह जाल में फंसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मन को प्रिय लगने वाले जितने पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करता जाता है, उतनी शोक की कीलें उसके हृदय में चुभती जाती हैं। विषय का आहार करने वाले देहिस्थ तथा सभी प्रकार के विशेष सामर्थ्य से वंचित कर देने वाले जिन इंद्रिय रूपी चोरों के द्वारा लोक विनष्ट हो रहे हैं, हाय, यह बड़े कष्ट की बात है। जैसे मांस में लोभ रख करके मछली फंस जाती है कांटे में, उसी प्रकार यह मानव मोह माया में फंस रहा है। के प्रभवम सर्व दुखानां आलयम सकलापदां आश्रयम सर्व पापानां संसारे वर्जयेत् क्षणात् लौह दारुमये पाशैः पुमान् बद्धो विमुच्यते पुत्र दारुमये पाशैर् मुच्यते न कदाचन यावतः कुरुते जन्तुः संबंधान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोक संकवः वञ्चिता शेष वित्तैस्तैर् नित्यं लोको विनश्यति हा हन्त विषयाहारैर् देहस्तेन्द्रियतस्करैः मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लोह शंकुः न पश्यति सुखलुब्धस्तथा देहे यम बाधाम न पश्यति। हे गरुड़, अपने हित अहित को न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी है, जिसका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वह मनुष्य नारकीय प्राणी है। निद्रा, भय, मैथुन तथा आहार की अभिलाषा सभी प्राणियों में समान रूप से रहती है। उनमें ज्ञानी को मनुष्य और अज्ञानी को पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातः काल में मलमूत्र, दोपहर में भूख प्यास तथा रात में मैथुन और निद्रा से पीड़ित रहते हैं। बड़े दुख की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदि में अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्ति को उनकी ओर बढ़ी हुई अपनी आसक्ति का परित्याग करना चाहिए। यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो महापुरुषों के साथ उस आसक्ति को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रूपी व्याधि की औषधि सज्जन पुरुष ही हैं। कि हिता हितम न जानन्तो नित्यम उन्मार्गगामिनः कुक्षि पूर्ण निष्ठाये ते नरा नरका खगः निद्राभि मैथुनाहार सर्वेषां प्राणिनां समाः ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुस्मृतः। कि लौह प्रभाते मलमूत्राभ्यां चुत्पृभ्यां मध्य गेरवौ रात्रौ मदन निद्राभ्यां बाध्यन्ते मूढमानवा। कि तस्माद् संग सदा त्यज्यः साचे त्यक्तु न शक्यते महद्वेषः कर्तव्यः संतः संगस्य भोजनम्। सत्संग और विवेक ये दो प्राणी के मल रहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं वह मनुष्य अंधा है, वह कुमार्ग पर कैसे नहीं जाएगा, अर्थात वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। अरे सत्य संग सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम् यस्य नास्ति नरः सोंधः कथम न स्यात् दमार्गगः। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले सभी मानव दूसरे के धर्म को नहीं जानते हैं, किंतु वे दंभ के वशीभूत हो जाएं तो अपना ही नाश करते हैं। व्रतचर्यादि में लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगों से क्या बनेगा, क्योंकि अज्ञान से स्वयं अपने आत्म तत्व को ढके हुए लोग प्रचारक बनकर देश देशांतर में विचरण करते हैं। नाम मात्र से स्वयं संतुष्ट कर्मकांड में लगे हुए मनुष्य तथा मंत्रोच्चार एवं होमादि से युक्त याज्ञिक यज्ञ विस्तार के द्वारा भ्रमित हैं। मेरी माया से विमोहित मूढ़ लोग शरीर को सुखा देने वाले एक भक्त तथा उपवासादि नियमों से अपने पुण्य रूप
अदृष्ट की कामना करते हैं। अरे शरीर की ताड़ना मात्र से अज्ञानी जन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वामी को पीटने से महाऔषधिधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि संभव नहीं है। जटाओं के भार और मृग चर्म से युक्त भेष धारण करने वाले दाम्भिक ज्ञानियों की भांति इस संसार में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। लौकिक सुख में आसक्त मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा कहने वाले कर्म तथा ब्रह्म इन दोनों से भ्रष्ट दंभी एवं ढोंगी व्यक्ति का अंत्यज के समान परित्याग कर देना चाहिए। घर को वन के समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जा रहित जो साध गधे अन्य पशुओं की भांति इस जगत में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी भस्म तथा धूल का लेप करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है तो क्या मिट्टी और भस्म से ही नित्य रहने वाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जाएगा? अरे वनवासी तापस जन घास फूस पत्ता तथा जल का सेवन करते हैं, क्या उनके समान वन में रहने वाले सियार चूहे और मृगादि जीव जंतु तपस्वी हो जाते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि पवित्रतम नदियों में रहने वाले मेंढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योनि को जाते हैं। कबूतर शिलाहान और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वी का जल नहीं पीते हैं, क्या उनका व्रती होना संभव है? अतः ये नित्याधिक कर्म लोक रंजन के कारक हैं। हे गरुड़, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान है। गरुड़, सर दर्शन रूपी महाकूप में पशु के समान गिरे हुए मनुष्य पास से नियंत्रित पशु की भांति परमार्थ को नहीं जानते हैं। वेद शास्त्र के महासमुद्र में इधर उधर से अनुगमन करने वाले इस सर दर्शन रूपी तरंग से ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वेद आगम और प्राण का ज्ञाता परमार्थ को नहीं जानता है, उस कपटी का सब कथन कवे का काम काम ही है। यह ज्ञान है, यह जानने के योग्य है। ऐसी चिंता से भली भांति बेचैन तथा परमार्थ तत्व से दूर प्राणी दिन रात शास्त्र का अध्ययन करता है। वाक्य ही छंद है और उस छंद से गुलमित काव्यों में अलंकार शोभित होता है। इस चिंता से दुखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उस परम तत्व का अन्य ही अर्थ है, किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुखित होते हैं। शास्त्रों का सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उनसे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादि से रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन मने भाव की बात करते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और परस्पर उसको जानने का प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कचली पाक का स्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। आत्मज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान वासुदेव कहते हैं, गरुड़ देखो, सिर पुष्पों को ढोता है परंतु उसकी सुगंध का अनुभव नासिका ही करती है। बहुत से लोग वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किंतु उनके भाव को समझने वाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परम तत्व को न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रों में वैसे ही व्याकुल रहता है जैसे कच्छार में आए हुए बकरी या मेंढक के बच्चे को एक कोप कुएं में खोजता है। सांसारिक मोह को विनष्ट करने में शब्द ज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपक की वार्ता से कभी अंधकार को दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धि रहित व्यक्ति का पढ़ना वैसे ही है जैसे अंधे के हाथ में दर्पण हो। अतः प्रज्ञावान पुरुषों के द्वारा अधीत शास्त्र तत्व ज्ञान का लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जानने योग्य है। ऐसे विचार में फंसा हुआ मनुष्य सब कुछ जानने की इच्छा करता है, किंतु हजार दिव्य वर्षों तक पढ़ने पर भी वह शास्त्रों का अंत नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए प्यारे, जल में मिले हुए क्षीर को जैसे हंस ग्रहण कर लेता है, वैसे ही उसके सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए कि अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटयः तस्मात् सारं विजानीयात् क्षीरं हंस इवाम्भसे। हे गरुड़, वेद शास्त्रों का अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उन सभी का परित्याग उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार एक धनार्थी पुरुष धन ग्रहण कर लेता है।
और पुआल को फेंक देता है। जैसे अमृत के पाने से संतृप्त प्राणी का भोजन कोई सरोकार नहीं रह जाता, वैसे ही तत्व को जानने वाले विद्वानों का शास्त्रों से कोई भी प्रयोजन नहीं है। हे गरुड़, वेदाध्ययन से मुक्ति संभव नहीं है और न तो शास्त्रों को पढ़ने से वह प्राप्त हो सकती है, वह कैवल्य ज्ञान से ही सुलभ है, किसी अन्य साधन से नहीं। आश्रम उस मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है, दर्शन भी उसकी प्राप्ति के कारण नहीं है, वैसे ही सभी कर्मों को उसका कारण नहीं मानना चाहिए, उसका कारण है ज्ञान। मुक्ति देने वाले गुरु की एक वाणी है, अन्य सभी विद्याएं विडंबना करने वाली हैं। हजार शास्त्रों का भार सिर पर ढोने पर भी प्राणी को तो संजीवनी देने वाला वह परम तत्व अकेला ही है। सभी प्रकार की प्रक्रियाओं के सहित वह अद्वैत शिव तत्व कहा गया है, उसको गुरु के मुख से प्राप्त करना चाहिए। वह करोड़ों आगम शास्त्रों का अध्ययन करने से मिलने वाला नहीं है। ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है, एक है शास्त्र कथित ज्ञान और दूसरा है विवेक से प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है ऐसा आगम शास्त्र कहते हैं, वह परम तत्व ही ब्रह्म है ऐसा विवेकी जन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत को चाहते हैं, किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परम तत्व समभाव वाला है, वह द्वैताद्वैत से रहित है। बंधन और मोक्ष के लिए इस संसार में दो ही पद हैं, एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है यह मेरा नहीं है। यह मेरा है इस ज्ञान से वह बंध जाता है और यह मेरा नहीं है इस ज्ञान से वह मुक्त हो जाता है। कि द्वे पदे बंध मोक्षाय ममामेति ममेति च, कि बंधेति बद्धते जंतुर न ममेति प्रमुच्यते। जो कर्म इस जीवात्मा को बंधन में नहीं ले जाता है वही सत्कर्म है, जो प्राणी को मुक्ति प्रदान करने में समर्थवती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परिश्रम करने के लिए होता है और दूसरी विद्या कला नैपुण्य को प्रदर्शित करने के लिए होती है। जब तक प्राणियों को कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं तब तक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जब तक उनकी इंद्रियों में चंचलता रहती है तब तक उन्हें परम तत्व का ज्ञान कहाँ हो सकता है। कि तत्कर्म यन बंधाय स विद्याया मुक्ति विदा आया साया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम यावत् कर्माणि दीप्यन्ते यावत् संसार वासना यावत् इन्द्रिय चापल्यं तावत् तत्व कथा कुतः। जब तक व्यक्ति में शरीर का अभिमान है, जब तक उसमें ममता है, जब तक उस प्राणी में प्रयत्न की क्षमता रहती है, जब तक उसमें संकल्प तथा कल्पना करने की शक्ति है तब तक उसके मन में स्थिरता नहीं है, जब तक वह शास्त्र चिंतन नहीं करता है एवं जब तक उस पर गुरु की दया नहीं होती है तब तक उसको परम तत्व कथा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तभी तक ही तप व्रत तीर्थ जप तथा होमादिक कृत्य एवं वेद शास्त्र तथा आगम की कथा है, जब तक व्यक्ति उस परमार्थ तत्व को नहीं जान जाता है। हे गरुड़, यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओं में प्रयत्न पूर्वक सदैव तत्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से संतप्त प्राणी को धर्म और ज्ञान जिसका पुष्प है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया का आश्रय करना चाहिए। अतः श्री गुरुदेव जी के मुख से ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञान को जानना चाहे, ऐसा करने से जीव इस दुर्धर्ष संसार के बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। कि तावत् तपो व्रतम तीर्थम जपो होमार्चनादिकम वेद शास्त्र अगम कथा यावत् तत्त्वं न विन्दते तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा तत्त्वनिष्ठो भवेत्तार्क्ष्य यदिच्छेन्मोक्षमात्मनः। धर्मज्ञान प्रसूनस्य स्वर्गमोक्षफलस्य च
तापत्रयादि संतप्तश्छायाम्बोक्षतरोऽस्रयेत्। तस्माज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात्। सुखेन मुच्यते जन्तुर्घोरसंसारबन्धनात्। हे गरुड़े, उस तत्व का अंतिम कृत्य सुनो जिसके द्वारा ब्रह्मपद या इंद्रबाण नाम वाला मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं उसे कहूँगा। अंत समय आ जाने पर पुरुष भय रहित होकर असंग रूपी शस्त्र से देहादि की आसक्ति को काट दे प्यारे। घर से सन्यासी बनकर निकल। धीरवान पुरुष पवित्र तीर्थ में जाकर उसके जल में स्नान कर। तदनंतर वहीं पर एकांत देश में किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमि में विधिवत आसन लगाकर बैठ जा तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उस परम विशुद्ध ब्रह्माक्षर का ध्यान कर। ब्रह्म के बीज मंत्र को बिना भुलाए वह अपनी श्वास को रोक कर मन को वश में कर। मन रूपी घोड़े को बुद्धि रूपी सारथी द्वारा सांसारिक विषयों से उसका नियंत्रण कर। अन्य कर्मों से मन को रोक कर बुद्धि के द्वारा शुभ कर्म में लगा प्यारे। यही उस ज्ञान की प्राकाष्ठा का आधार है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, परम पद मैं ही हूँ। इस प्रकार की समीक्षा करके आत्मा को निष्कल आत्मा में प्रविष्ट करना चाहे। जो मनुष्य ओम इस महामंत्र का, इस एकाक्षर ब्रह्म का जप करता है वह अपने शरीर का परित्याग कर परम पद को प्राप्त करता है। गरुड़, निश्चित रूप से वह परम पद को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए आत्म कल्याणी को चाहिए कि अधिक से अधिक एकांत का सेवन करे और ओंकार इस महामंत्र का नित्य प्रति जाप करे। इस ओंकार में ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही मैं हूँ और मुझ में ही ब्रह्म है, ऐसी धारणा को धारण करे और ओंकार का ध्यान करते हुए अपने आप को उसमें विलीन कर दे। यही एक दिन उस परम पद का साक्षात्कार कराएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।